जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी से चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। सेनेट इजलास में जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने का बिल पेश हुआ तो सपोर्ट करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं 2/3 अक्सरियत से बिल मंजूर किया हुआ है। हमारा मुतालबा सूबा है, सेक्रेटरीट नहीं। किसी भी नाम से जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, हम सूबा बनाने के हक में हैं। हमारी हुकूमत चाहती है कि जनूबी पंजाब सूबा बने। हमने अलग सेक्रेटरीट कायम किए, इसे आगे भी बढ़ाएंगे। अगर 2/3 अक्सरियत होती तो हम आगे बढ़ चुके होते। नवाज शरीफ की वापसी के लिए शहजाद अकबर पूरी कोशिश कर रहे हैं। बरतानिया से तहवील मुजीमान का मुआहिदा नवाज शरीफ की वापसी के लिए नहीं। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में वजाहत, बोले मुआहिदा उन मुजीमान से मुतालिक है जिन्हें बरतानिया निकालना चाहता है। 3 तरामीम काबीना में पेश की जाएंगी। मुल्क की मईशत के पैसे अब गवर्नर स्टेट बैंक करेंगे। गवर्नर मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। शाहिद काका नबासी कहते हैं, महंगाई कितनी असरात क्या होंगे इसका फैसला भी मरकजी बैंक करेगा। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल के बाद हुकूमती खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। बोर्ड अरकान की तैनाती के लिए कोई खास मयार नहीं होगा। पीटीआई रुकन असेंबली नूर आलम की अपनी हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी। तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत ने मामले का नोटिस ले लिया। शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला परवेज खटक ने तस्दीक कर दी। ओमिक्रॉन का बड़ा वार, एनसीओसी तालीमी इदारों की बंदी से मुतालिक फैसला ना कर सका। फैसला तालीमी इदारों के डेटा की बुनियाद पर किया जाएगा। 10% से ज्यादा शराब वाले इलाकों में पाबंदी लगाने का फैसला। कल फिर इजलास मुतवक्के, सूबों से मुशावरत के बाद नई एसओपीज बनाई जाएंगी। इस्लामाबाद में शराह 10.75% हो गई। सियालकोट में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी की बेवा के अकाउंट में 1 लाख अमरीकी डॉलर्स ट्रांसफर। रकम सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने इकट्ठी की। प्रियंका कुमारा की तनख्वाह भी अकाउंट में मुंतकिल। राज को कंपनी 10 साल तक तनख्वाह देगी। 79 मुजमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।